नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट। आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक नए टॉपिक के साथ। 360 सीआरपीसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या है, क्यों है और कैसे है, इसी के ऊपर यह टॉपिक आज का रहेगा। और बहुत ही मजेदार वीडियो बनने वाली है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सही समय पर पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। 360 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, क्या है, इसके बारे में आज मैंने ये वीडियो बनाया है। 360 कहता है प्रोबेशन के बारे में, ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशन, यानी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मुलजिम को जिसकी दोष सिद्धि हो गई है, यानी जो व्यक्ति गिल्टी पाया गया है केस में और उसको सजा करनी है मजिस्ट्रेट को या जज को, उसके कंडक्ट के ऊपर, सामाजिक तौर तरीकों के ऊपर, या समाज में किस तरह से उसका रहन सहन है, कैसा उसका व्यवहार है, उसको देखते हुए उसको छोड़ने का ये कानून है। 360 सीआरपीसी आपके कंडक्ट के ऊपर, किसी भी अभियुक्त के कंडक्ट के ऊपर रिलाई करता है। सपोज एक केस चलता है कोर्ट में, चलने के बाद अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, चाहे वो कुछ समय के लिए हो, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 7 साल के लिए हो, उस इवज में अगर वो व्यक्ति चाहे तो 360 की एप्लीकेशन लगा सकता है और प्रोबेशन की मांग कर सकता है कि मैं इतने दिनों से केस लड़ रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे कंडक्ट में बहुत ज़्यादा सुधार है, मैंने उसके बाद से कोई ऐसी गलती नहीं की है, या ना ही मैं किसी केस में पहले मुझे सजा हुई है, इसलिए मुझे मेरे इस बिहेवियर को या गुड कंडक्ट को देखते हुए मुझे छोड़ा जाए या रिलीज किया जाए। अब मान लीजिए कोर्ट 360 की एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, नहीं सुनती है, तो यही एप्लीकेशन आप चाहें तो अपनी अपील के साथ कोर्ट में भी, जो अपीलेट कोर्ट है, वहां भी दाखिल कर सकते हैं। यानी कोई मजिस्ट्रेट आपको 3 साल की सजा करता है और ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद में, यानी आप अपील में चले जाते हैं, अपील में जाने के बाद में अगर आप चाहें तो उस अपील एप्लीकेशन के साथ आप 360 की मांग कर सकते हैं कि मेरा कंडक्ट जो है ये रहा है और कभी मेरा कंडक्ट बुरा नहीं रहा, मेरे समाज के प्रति, मेरे देश के प्रति और किसी और व्यक्ति के प्रति, मुझे इस गुड कंडक्ट के ऊपर छोड़ दिया जाए या रिलीज कर दिया जाए, तो उस पर कोर्ट जो है विचार करने के बाद आपको रिलीज कर सकते। अब 360 के अलावा भी बकायदा एक अलग से कानून बनाया गया है, प्रोबेशन एक्ट कहते हैं उसे। प्रोबेशन एक्ट में कई सारे सेक्शंस हैं जिसमें कि ये कहा गया है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, यानी पहली बार आपने गलती की है और आपको छोड़ दिया जा रहा है, आगे से आप ऐसा गलती नहीं करेंगे। दूसरा सेक्शन, ये सेक्शन मैं नॉर्मल कह रहा हूं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 नहीं है ये, सेक्शन 3-4 में अगर आप देखेंगे प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में तो उसमें मिल जाएगा आपको। उसमें कई बार वो एक सेक्शन ये भी है जो ये कहता है कि अगर विक्टिम को कोई चोट आई है या कोई उसको मानसिक या फिजिकली उत्पीड़न हुई है, तो उस केस में कोर्ट जो है आप पर एक जुर्माना, फाइन लगाकर, जो कि पेबल होगा विक्टिम को या कंप्लेनेंट को, देने के बाद आपको छोड़ सकती है प्रोविजन के। ये दोनों सेक्शंस जो हैं, ये दोनों आप 360 ऑफ सीआरपीसी रेड विथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में जो सेक्शंस दिए हुए हैं उसके तहत आप एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करते हैं। उस पर सुनवाई होने के बाद बकायदा प्रोबेशन ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं हर लोकेलिटी में, हर एरिए में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि आपके आसपास जाके, आपके थाने में जाके, आपके घर के आसपास जाके आपके बारे में जानकारी जुटाते हैं, कोई कन्विक्शन तो नहीं हुई है, कैसा आपका कंडक्ट रहा है समाज के प्रति, किस तरह का बिहेवियर रहा आपके समाज के प्रति, इन सारे चीजों को एनालाइज करने के बाद वो अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष दाखिल करते हैं और कहते हैं कि भैया इस व्यक्ति के खिलाफ ये चीजें निकल के आई हैं,
ये व्यक्ति या तो गुड कंडक्ट का है या फिर बैड कंडक्ट का है। कोर्ट उन रिपोर्ट को देखने के बाद अगर उसमें गुड कंडक्ट आपका शो होता है तो हो सकता है आपको कोर्ट सजा करने के बाद भी रिलीज कर दे, या फिर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो आपको माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, या फिर विक्टिम को एक कंपनसेट करके आपको छोड़ा जाए। ये तीन कंडीशंस हैं। मजिस्ट्रेट को अगर आपके गुड कंडक्ट के ऊपर दिखा कि यू हैव अ गुड कंडक्ट, एंड चाहे वो ट्रायल में हो, चाहे वो आपके सामाजिक तौर पर हो, या आपके कार्य करने के तरीके पर हो, आपके काम करने के तरीके पर, इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद जो रिपोर्ट आती है प्रोबेशन ऑफिसर के तहत, उसमें चेक करने के बाद जो है 360 के ऊपर कोर्ट आपके एप्लीकेशन के ऊपर कॉग्निजेंस लेते हुए आपको रिलीज कर देता है। परंतु उसके लिए दो तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। आप रिपीटेड ऑफेंडर नहीं होने चाहिए, यानी बार बार आप मुलजिम नहीं बनने चाहिए, आप बार बार अरेस्ट नहीं होने चाहिए। मान लीजिए एक केस में आपको सजा हो गई, एक केस आपका चल रहा है, आप उसी बीच दूसरा केस कर दें, फिर तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए, तो ये क्या है, ये रिपीटेड ऑफेंडर्स की कैटेगरी में आता है। और ये आप कोर्ट अगर इस रिपोर्ट को देखती है तो कोर्ट ये सोचती है कि ही इज अ रिपीटेड ऑफेंडर और ये समाज के लिए खतरा है, कल को अगर ये निकलेगा या छोड़ेंगे तो ये कल को फिर समाज में जाके इसी तरह का काम करेगा जिससे कि सोसाइटी बदनाम होगी या पीस जो है सोसाइटी का वो खतरे में होगा। इसी वजह से उस एप्लीकेशन को खारिज कर दी जाती है, कई बार खारिज कर देता है कोर्ट। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी केस में फंस गए हैं और आपको लगता है कि मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा, तो कल को आप ऐसा कोई भी सिमिलर ऑफेंस या कोई भी और ऑफेंस ना करें जिससे कि ये मौका लेने से पहले आप लेने इस 360 का जो बेनिफिट है ये लेने से पहले आप दोषी करार दे दिए जाएं, या नहीं आपके कंडक्ट को देखते हुए कोर्ट जो है आपको आपके एप्लीकेशन को डिसमिस कर दे या ना माने। इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी केस में फंस गया तो उसको दोबारा उसी तरह का या कोई और ऑफेंस नहीं करना है जिससे कि कल को अगर आप सजा भी आपको होती है तो प्रोबेशन के ऊपर आपको कोर्ट जो है छोड़ दे या रिलीज कर दे। ध्यान रखेंगे इस चीज का। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट यही कहता है और प्रोबेशन जो ये 360 ऑफ सीआरपीसी है ये भी यही कहती है। इसमें प्रोबेशन की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगा सकते हैं तो मैं बता दूं, एमएम में भी लगा सकते हैं, एमएम से अगर सजा हुई है तो एमएम में भी लगा सकते हैं। अगर वहां से अगर डिसमिस हो जाती है तो आप जब सेशन कोर्ट में अपील में जाते हैं तो वहां भी आप 360 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। मान लीजिए वहां से भी डिसमिस हो जाती है, अगर हाई कोर्ट आप जाते हैं अपील के लिए उस सेंटेंस के खिलाफ, तो वहां भी आप चाहें तो प्रोबेशन की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। प्रोबेशन हर जगह रिलायबल है, हर जगह लगा सकते हैं आप आफ्टर कन्विक्शन, सजा होने के बाद। और उसका बेनिफिट अगर आपका कंडक्ट ठीक रहा है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और उससे कोई भी खर्च नहीं कर सकता। अगर आपका कंडक्ट ठीक रहा है और आपका बिहेवियर सोसाइटी के प्रति, कोर्ट में सब कुछ ठीक रहा है, ये प्रोविजन ऑफ प्रोविजन का सेक्शन 360 जो है ये था। साथ ही साथ अगर आप कहते हैं तो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के ऊपर मैं पूरा पूरा वीडियो बना दूंगा, सारे सेक्शंस डिस्क्राइब कर दूंगा जिससे कि आपको सही प्रॉपर जानकारी प्रोबेशन एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के बारे में भी मिल सके। ये था आज के टॉपिक में। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज लाइक जरूर करें और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें जिससे कि और लोग भी इस जानकारी से, इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें, उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।